ना, पहले अम्मी की क्लास बिठाएंगे और मैं आगे। कॉकटेल ना लोहे वाली तारों पर जाके बैठ गया और वो इसको मेरे ख्याल में चुभ रही है। ओ ये खून भी निकल रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया। बहुत मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका नहीं उड़ा नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है कि बहुत टाइट पकड़ा गया या उसको जख्म हो गया। फिर ऊपर चला गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पहले घरों की छतों पे जाएगा, उसके बाद फिर ऊंचा जाया करेगा, फिर नीचे और फिर हाथ पे आएगा। तो ये ज़्यादा का उड़ने की कोशिश करता है ना, फिर ऊपर छतों पे पहुंच जाता है। अभी इसको नीचे गली में उड़ने की आदत नहीं है, लेकिन शुक्र है आज बाइक पे नहीं उड़ा है। बाइक पर उड़ाते ना तो मुझे उम्मीद थी कि इसने भाग जा रहा था। नीचे आ जा जल्दी कर, मुझे भी सांस चढ़ गया। असल पहले हमने इसको थकाया बहुत ज़्यादा, तब ये बार बार बैठ रहा है। वो देखिए वो ये आ गया, गुड शाबाश। अब इसको घर लेके जाते हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा थक चुका है। हाँ जी क्या हो गया, फिर लेनी उड़ के क्यों नहीं आता पीछे, हैं क्यों तंग करता है ये। चल शाबाश, अभी आएगा। छोड़ छोड़ छोड़, हमजा कॉकटेल को पंखे के ऊपर बिठाने जा रहा है, कहता है पंखे के ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं। मैं इसको कह रहा हूँ आएगा, हमजा कहता नहीं आएगा, अभी देखना आ जाएगा। एक हाथ दो हाथ, हमजा ने ड्रॉपर भी ऊपर कर लिया। दो हाथ तीन हाथ चार हाथ, बेचारा किस किस के पास जाएगा, पजल हो गया। हमजा के पास आया है। किधर बैठा हुआ है, किधर बैठा है? ये उनकी फीट की ट्रे है, अच्छा इसमें सोट गया। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। असीम मुझे रोज़ कह रहा था घास डालो इनके लिए, नेस्टिंग मटेरियल डालो, ने खुद ही डाल दिए। और इन्होंने ना इतना ज़्यादा यहाँ पर नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ये देखें इस डोली के अंदर भी नेस्टिंग मटेरियल है। वो सामने बॉक्स के अंदर मेरे ख्याल में चिड़ी भी बैठी हुई है, वो उसमें भी नेस्टिंग मटेरियल है, साथ वाले बॉक्स में भी नेस्टिंग मटेरियल। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। लेकिन इसके अंदर किसी भी पोर्शन के अंदर नेस्टिंग मटेरियल नहीं है, देखें सारी की सारी खाली हैं। अपने रैबिट्स को ना रोटियां उबाल के बॉयल करके डाली हैं, और ग्रेश के बच्चे 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 बच्चे, एक बच्चा ग्रेश का ये है और दूसरा किधर गया? अभी तो यहाँ पर था, अभी गायब हो गए। इनको बंद करें क्योंकि फिर नीचे जा रहे हैं। यार इनको बंद करो, घर वाले कहते हैं खोलो, और खोलो तो घर वाले कहते हैं कि इनको बंद कर दो। मुझे तो घर वालों की समझ नहीं आती है, मैंने खोलना चाहिए या मैंने बंद करना चाहिए। ये दूसरा भी आ गया, चलो चलो चलो, एक को पकड़ो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ो तो एक भाग जाता है। इन्होंने सही प्रैंक बनाया होगा मेरे साथ। अभी अंदर रहो, अच्छा बाय नहीं आना, शाबाश। और बर्ड्स को ना ज़्यादातर मैं केज में डाल के यहाँ पर रखता हूँ ताकि यहाँ पर हमारे घर के आदि रहें। दरवाज़ा खुला है, बाहर आता है कि नहीं, इतना कलमंद है कि नहीं, और छोटा कलमंद है बड़ा नहीं है, शाबाश। किधर जा रहा है, पागल हो गए, इधर वापस आ। असल हवा तेज है ना तो ये अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, और कुछ कबूतर खुले हुए हैं बाहर, कुछ कबूतर बंद हैं। और जो हसीब ने ना वो फीमेल दिखा रहा था ना कि यार ये अच्छी फीमेल है, दो घंटे उड़ के आई है, इस तरह उड़ के आई है, उस तरह उड़ के आई है, हमजा बता रहा है कि वो फीमेल भाग गई है। तो यार एक दफ़ा इसको सारे कबूतर भगाने दो या लाने दो, जो भी कर रहा है करने दो, फिर ना 5 या 10 या 15 20 कबूतर रखेंगे एक अलग पोर्शन में इनको रखेंगे। ओई ये कबूतर कहाँ से है, माशाल्लाह एक कबूतर और दो कबूतर नए आए हुए हैं, ये पता नहीं कौन से कबूतर हैं। ये देखिए हमारे सेटअप के कबूतर नहीं है, ये बाहर से कबूतर आए हुए हैं, और वो तो मूसा वाला कबूतर है ना। इसको असल ना मेरे सारे कज़न पकड़ने लग गए, अब ये इसलिए मेरे पास कम आता है। कौन है तेरा मालिक, इधर ओ ग्रीश ग्रीश, पकड़ेगी पकड़ेगी पकड़ेगी, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जा। सुबह ही मैंने आकर ना इन सब को दाना पानी डाल दिया था। असल इनका मसला ये ना, इन सब की एक एक डब्बी बाहर निकालनी पड़ती है, पानी वाली धोनी पड़ती है, और दाने वाली को साफ करना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे आज ये वाली जो हमें सब्सक्राइबर ने डब गिफ्ट की थी ना, पता नहीं क्या चक्कर है, सोड़ा भी नहीं जा रही, देखिए कोई मसला है इसके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखाओ ज़रा, नहीं डिस्टर्ब, ओए डिस्टर्ब नहीं करना था, जब ये उड़ते खुद ही देख लेते। छिट, एक अंडा इन्होंने दे दिया है। यार मेरे पास जब भी डायमंड डब ने अंडा दिया ना, वो अनफर्टाइल हुआ है।
अगर ये फर्टाइल हुआ तो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा डायमंड डब की ब्रीड का। बाजरा लेके जाते हैं, अपने तमाम बर्ड्स को डालते हैं। किधर उड़ के जाओगे? हाँ जरा हल्का सा उड़ाऊंगा आज, रोज ये भी तो उड़ाते हैं ना, आज मैं उड़ाता हूँ। जरा एक उड़ा, एक किधर गया? गुम गया ना, तो मेरी खैर नहीं है। ये आ रहा है, तीन उड़े टक्कर लगने लगी थी। आए ओए, एक ये जा रहा है, एक इसके पीछे जा रहा है, और एक उससे पीछे जा रहा है। इनको पत्थर मारते हैं जरा। कोबरा तो भी उड़ना, एक दो तीन चार। ओए एक रोज का सेंटिनल का बच्चा उड़ा है, हालांकि हमने इसको बांधा नहीं है, खुद ही अपने घर में आदि हो गया। माशाल्लाह हमारे सेटअप पे बैठ चुका है। तो इस सेंटिनेंट का बच्चा जो बहुत प्यारा नहीं आया, ब्लैक था वाइट था, उसके पाँव में पारे वो वाला भी हमारे सेटअप पर उड़ रहा है माशाल्लाह से। ओहो कुकड़ू मियाँ, आप क्यों बंद हो? जाओ रोटी खाओ, इंजॉय करो। यार इसकी आईज का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल ब्लू कलर की है, ब्लू डार्क। मतलब जितनी मुर्गों में ब्लू होती है ना, ये नहीं कि जैसी कैट की, हमारी कैट की तो बहुत ज़्यादा ब्लू है ना, अच्छी खासी हमारे असील मुर्गे की ब्लू आईज है। और पहलवान इधर दे और दे ना, खुद खाई जा रहा है। पहलवान मेरी ले गया, नहीं गया, सही बात है। पहलवान दो कबूतर ले गया, पहलवान कह रहे मैंने दो कबूतर उड़ाए थे, दो कबूतर आ गए। पहलवान जी दो नहीं और ज़्यादा भी लेके आओ ना, लेके आते हैं कब? पहलवान मेरे ख्याल में लोगों को पकड़ता है वो लेके आता है। हमजा ने आज ये दो कबूतर पकड़े हैं, कह रहा है बहुत अच्छे हैं। कौन सी उड़ के आई है? कह रहा है कि ये वाली जो फीमेल है ना, ये उड़ के आई और जाले पर गिर गई थी, तब मैंने जाके आराम से उठा लिया। तो मुझे किधर जा रहा है कॉकटेल, जैसे हाथ से उड़ता है तो मुझे डर ही लग जाता है। फीमेल है, ये भी फीमेल है, दोनों फीमेल पकड़ी और मुझे लग बहुत अच्छी रही क्योंकि बिल्कुल साफ आंख है। चलो वहीं पर छोड़ दो, पर काटें क्या किए? तो लाते ना अपने घर। अच्छा वो वाले दो कबूतर नीचे नहीं आ रहे, तो हमजा ने ना एक वो वाली फीमेल पकड़ के बाहर निकाली जो तीन अंडों के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पर मेल के पास जाएगी, वहाँ से वापस अपनी कॉलोनी के अंदर आ जाएगी। तो फीमेल जल्दी से आ जा, तंग ना कर आप। एक आ गया, ये फीमेल ही आई, इसके साथ का मेल वो बैठा हुआ साइड पर, ये वाला मेल है इसका। नहीं कोबरा भी आ गया। हमजा ये मैं इधर ये साइड वाला सेंटिनेंट लग रहा है, और मुझे लग रहा है किसी का है। हमजा किसी का सेंटिनेंट आया है ना। उए उड़ के ना जा, उड़ के ना जा, उड़ के ना जा। हमजा के पास गए, ये वाला सेंटिनेंट किसी का आया हुआ है। आराम से आ जाए, आ जा। कबूतर थोड़े और निकालते तब ही आएगा ऐसे। ये वाली फीमेल वापस बाहर निकालते ना, अंडो वाली। यार अंडो से उठा रहे तो अंडे खराब ना। ये आ गया। इसके साथ मस्ती कर रहा है, फीमेल ऊपर चली गई, शिट इसके साथ उड़ जा ऊपर चला जाएगा। ये चला गया। ये पकड़ा गया है, हमजा पकड़ के लाने लगा सेंटिनेंट। ये लो जी, आज हमने सेंटिनेंट का शिकार किया है। कितनी आसानी से, इतनी जल्दी आ गया हाथ में, यकीन भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कितनी जल्दी हम सेंटिनेंट पकड़ेंगे। ऐसे ही मुझे शक पड़ा, मैं क्या वहाँ पर किसी का सेंटिनेंट बैठा और आके अपने हाथों में आ गए। माशाल्लाह बहुत बड़े साइज में है। और हमारी वाइट वाली असील मुर्गी जो घर वाली मुर्गी थी, वो आपस में दोनों ना, दो मुर्गियां मैं घर से कड़ों के लेके आया था, वो दोनों आपस में लड़ पड़ी हैं, और वाइट वाली की आंखें बिल्कुल बंद हो गई हैं। अब ये ना, ये वाली अंधी और काणी नहीं हुई, वो जो मुर्गा था ना, अक्सर भाई कह रहे थे कि यार नहीं, उसके मुँह सूजा हुआ था, वो मुँह की स्वेलिंग कम करता तो वो उसको नज़र आने लग जाता। हमने सब कुछ चेक करके उसके बाद इसको ज़बह किया, ऐसे ही हमने ज़बह नहीं कर दिया, और अब इसको भी चेक किया, इसकी आंखें ठीक हैं, तब इसको ज़बह नहीं करे, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, बस इस पर थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इसको मैं दोबारा से घर लेके जाऊंगा, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा।